मेरा दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा है इस वक्त। मेरा हाथ थामो और मेरे साथ चलो, ठीक है ना? बस हाँ कहना, यही जवाब देना चाहे रजिस्ट्रार जो भी पूछे। इतने रिलैक्स कैसे हो तुम आज के दिन? क्योंकि मेरा सारा ध्यान तुम्हें अपनी बीवी बनाने पर है। देखो मैं जानता हूं, मैंने भी ऐसे ही रिएक्ट किया था जब मुझे पहली बार इस बारे में पता चला था नास, लेकिन हम लोग आराम से बैठकर बात कर सकते हैं। नास, हमने हर जगह से पता करवा लिया है, सारी डिटेल्स, सारी डेट्स, सब कुछ। तुम किसकी बेटी हो? हां, आयला, सुजैन मैडम की बहन थी वो। इसीलिए तुमने हमारे साथ वो सब कुछ किया था? तुम हमारे सामने नहीं आ सकती थी, इसीलिए तुमने हमें इतनी मुश्किलों में डाल दिया था। उम्र क्या होगी तुम्हारी? 25 साल की हूँ। 25 साल? नौरीन, एक मिनट रुक जाओ तुम, या प्लीज सब रिलैक्स हो जाए एक मिनट के लिए। यरदाल अभी कहाँ है? वो यरदाल अभी कहाँ है? बाबा। ओ, अरे वाह, अरे वाह, सब यहाँ मौजूद हैं। खैरियत क्या हो रहा है यहाँ पर? ऐसे क्यों देख रही हो? मैं मुबारकबाद देने आया हूँ, अब क्या कर दिया मैंने? कौन है ये? ये लड़की कौन है? ये तो सुजैन की असिस्टेंट है। अब मुझे किस मामले में फंसाने आई हो? फंसाने नहीं आई बाबा। सुजैन मैडम की असिस्टेंट नहीं है ये, आयला की बेटी है। ये आयला कौन है? वही आयला जिससे आप गलत वक्त पर मिले थे, वही आयला जिसके लिए आप दुहाई किया करते थे, जिसे 25 साल पहले छोड़ गए थे आप, वही आयला जिसने मेरी उम्र में दुनिया से छुपके मुझे पैदा किया। ये नहीं हो सकता, ये तो कभी भी नहीं हो सकता, नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन आयला ने तो एबॉर्शन करवा लिया था। नहीं, लेकिन सुजैन ने तो कहा था कि कैसे यार, आखिर कैसे, ये कैसे हो सकता है? बैठो। ये क्या पागलपन है महवेश? फौरन बैठ जाओ। हम क्या करेंगे, बात करेंगे क्या? इस बिल्डिंग में हर कोई हमें जानता है, अगर तुम मदद के लिए भी चीखोगे तो कोई तुम्हारी मदद के लिए नहीं आएगा, और जब तक वो यहाँ आएंगे तुम मर चुके होगे। महवेश देखो, मैं ये बात समझता हूँ कि तुम्हारा मुझे तकलीफ देने का पूरा पूरा हक है। तुम जानती हो कि क्यों? मुझे तुमसे सुनना है, बोलो। मैंने तुम्हारा वक्त जाया किया महवेश, और तुम वो वाहिद शख्स थी जिसने मुझे चाहा था। तुमने मुझे वाकई हमेशा दिल से चाहा था। वो बोलो जो मैं तुमसे सुनना चाहती हूं। मैंने तुम्हारा इस्तेमाल किया, ठीक है,
जब बोर हो गया तो तुम्हें लात मार दी और जब जरूरत पड़ी तो दोबारा बुला लिया। तुम्हारे बाबा के केस में भी बहुत दुख दिया मैंने तुम्हें, तुम पे हाथ भी उठाया, बेवकूफ था मैं। आखिर में जो किया वो बताओ। तुम्हारे भाई को कत्ल किया, तुम कह रहे हो कि ये लड़की मेरी बेटी है, यानी ये कैसे? जरदाल सर, बाबा हटो, आराम से। एक मिनट छोड़ो मुझे, ये नहीं हो सकता, मैं ये नहीं मानता। मतलब यह है कि ये मेरी बेटी है क्या? नवेश, हाथ मत लगाना, मार दूंगी तुम्हें मैं। मुझे गलती से भी हाथ मत लगाना, वो मेरे खून की आखिरी निशानी था। बर्क एक बहुत ज़हीन लड़का था, तुमने उसे मार दिया, अंधेरे में भेज दिया उसे। तुम और सुजैन दोनों कातिल हो। कैसा लग रहा है हा? तुम्हारा अब यहां दम घुट रहा है, सही कहा ना मैंने? यहां बोर हो जाते हो ना? मैं तो ये जानना चाहती हूं कि तुम्हें आराम से सांस आती है यहां? हाँ, क्या सांस ले पाते हो रोहन? तुम यहां फंस चुके हो, अब सोच रहे हो दफन कहां होगे, जमीन के अंदर घुप अंधेरे में, बिल्कुल मेरे भाई की तरह। तुम्हें क्या लगा था हा? बोलो, तुम्हें क्या लगा था कि मैं मार नहीं सकती? तुम्हारी वजह से मैं बदले की आग में कातिल बन चुकी हूँ। महवेश रुक जाओ, महवेश नहीं प्लीज, तुम बहुत जल्दबाजी कर रही हो। पहले ही देर कर दी है। प्लीज नहीं महवेश, पहले ही बहुत बातें कर ली हैं तुमने। देखो महवेश, प्लीज कुछ है जो तुम नहीं जानते। तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो, अब नहीं सुना। तुमने अपने भाई के आखिरी अल्फाज नहीं सुने अब तक। ये लीजिए। शुक्रिया बेटा, बहुत शुक्रिया। कुछ तो बताएं बाबा, कुछ तो बोले। खुदा के लिए मुझे सांस लेने का तो मौका दो, हद करते हो तुम लोग भी यार, सवाल पूछते रहते हो। मुझे भी अभी पता चला है कि मेरी बेटी है ये, मुझे थोड़ा वक्त क्यों नहीं देते कि मैं सोच सकूं? आफरीन है तुम पे यरदाल, आफरीन है। इसे 25 साल हो गए। उस वक्त हमारा ऐसा कोई रिश्ता था ही नहीं, अब क्यों मुझ पर गुस्सा हो तुम? लेकिन तुमने तो उन्हीं दिनों से मुझे फूल भेजने शुरू कर दिए थे ना, वो खत लिखते हुए जरा भी शर्म नहीं आई। तुम सिर्फ मेरी हो, तुम्हारे बगैर नींद नहीं आती, पता नहीं और क्या क्या। हाँ याद आया, तुम्हारे बगैर मैं मर जाऊंगा। जरा देखो इसे सब कुछ याद है यार। यरदाल, क्या तुमने उस वक्त मुझसे हाँ कह दिया था क्या? नहीं कहा था ना, तुम साथ नहीं थी। नहीं थी बाबा, लेकिन मेरी अम्मी थी। अम्मी छोड़े, आपने इसे आखिर यहाँ कैसे बुलाया? क्या आप भूल गए कि इसने हमारे साथ क्या किया था? ये मेरी बहन नहीं हो सकती, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि ये बाबा की बेटी है। नाज यहाँ मेरी बात सुनो। बेटी, तुम जानती थी, तुमने फिर भी बुरा किया। तुमने बर्क के करीब जाने की कोशिश की, उसे फंसाया। घटिया इंसान हो तुम एक नंबर की, अब यहाँ पर आ गई हो तुम हमारे सामने मजलूम बन के। बस करो। अब आपको क्या है? आपने कैसे कबूल किया इसे? क्या आपको बर्क के लिए जरा सा भी अफसोस नहीं? उसका एहसान है, यही कहा था ना आपने? कहा था कि उसकी वजह से आपको मरियम मिली, अब क्या हो गया? नास, बर्क, जाहिल बाल।
पागल पागला, इससे बचाए कोई। You're making me sick. तुम्हें तो बहुत पहले ही मर जाना चाहिए था। तुम्हारे अंकल भी तुम्हें मुझसे बचा नहीं पाए। बताओ तकलीफ हो रही है? बरकत से क्या ताल्लुक है? बर्ट मर गया है। तुम कहाँ थी ये उसी ने बताया था। रोहान ने उसे पकड़ लिया था और मार दिया। ये सब इसकी और इसकी आंटी की वजह से हुआ। सुन रही हूं। उसने कहा कि मैं मर जाऊंगा। अच्छा होगा अगर मैं मर जाऊं। ना सही थी मतलब। उसने वो किया हमें तुमसे बचाने के लिए, ना के बदले के लिए। हर अच्छा इंसान तुम जैसे बुजदिल की वजह से मारा जाता है। तुम मरोगे जैसे मेरे भाई ने कहा था, मरोगे। इधर आओ। साइड कट है। तुम्हें ये जरूर याद होगा हमारी फॉरेंसिक की क्लास से। वर्टिकल सुसाइड कट। अब तुम्हें यकीनन चक्कर आ रहे होंगे, है ना? ऐसा लग रहा होगा जैसे नसें खाली होती जा रही हैं। दर्द हो रहा होगा और बेहद तकलीफ दे होगा ये। थोड़ा सा और इंतजार करो, मैं यही हूं। बस 5 मिनट और, अभी ब्लैकआउट हो जाएगा, बस थोड़ी देर रुक जाओ। हाँ, ज्यादा परेशान नहीं होना, बिल्कुल बेफिक्र रहो, रिलैक्स करो थोड़ा। मैंने सब प्लान कर लिया है, तुम जिंदा रहोगी। मैडम टाइम खत्म हो गया, बाहर आ जाएं। खुदा गारत करे तुमने ये क्या कर दिया, फौरन साइड पर हो जाओ। मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने कुछ भी नहीं किया। इसने मुझ पे हमला किया, उसके बाद इसने खुद अपनी नब्ज काटी। नजर नहीं आ रहा क्या तुम्हें? घूम जाओ झूठे आदमी। जिस औजार से तुमने हमला किया है कहां है वो? कोई औजार नहीं है, इसने ये खुद अपनी नब्ज काटी है, वही पड़ा है, देख लो। चलो यहां से। ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते थे, शादी के बाद बताने का इरादा था। मेरी वजह से मौत हुई है ना, मेरी मदद करने की सजा मिली है ना। ये सब कुछ क्या हो रहा है? कल शादी होने वाली है यहाँ। जान, रुके, मैं जाकर देखता हूँ। एक सरप्राइज है आप लोगों के लिए, ब्राइडल ड्रेस रेडी है। प्लीज अब पिछली बार की तरह ये मत कहना कि शादी कैंसिल हो गई। क्या बोल रहे हो? नहीं, कुछ भी कैंसिल नहीं हुआ है। मैं अभी ये नहीं कर सकती। रुको जरा, वो बस साइज चेक करेगा, सिर्फ 2 मिनट दे दो। अकेला छोड़ दे अभी मुझे।
क्या यहाँ कोई मर गया है? हुआ क्या है आखिर? ठीक है, बस करो अब। इस बारे में कोई बात नहीं करेगा अब। जिंदगी में इस तरह की खुशियाँ हर रोज नहीं आती, जानते हो ना सब। मरियम का हक है कि वो अपनी शादी का दिन खुशी से मनाए। चलो सब ऑर्गेनाइज करते हैं हम। नाज, तुम अपने शूज देख लो और तुम मुझे शादी का जोड़ा निकाल कर दिखाओ, समझे? चलो जल्दी, तुम लोगों को रहम नहीं आता मेरी हालत पर। नाम क्या था तुम्हारा? जास्मीन। आओ मेरे साथ किचन में तो चलो, जरा कॉफी दूंगी, बना लेना अपने लिए। आ जाओ। देखो, उस लड़की से तो मेरी बन रही है, मगर बात नहीं करनी मुझे तुमसे। देखना भी नहीं चाहती तुम्हें, सुन लिया ना? हम सिर्फ बैठ के तमाशा देख रहे हैं, जो कुछ भी वो कर रहा है। इस बारे में कुछ भी नहीं कर पा रहे हम, उसे रोक भी नहीं पा रहे। देखो, दिख रहा है ना, ये हमारे घर का लकी चार्म है। तुमने इस घर को ढूंढा और इस घर को फिर से घर बनाया, बिल्कुल वैसे ही उसने किया। उसके आसपास बहुत ज्यादा खतरा है, लेकिन उन्हें लगता है कि वो अपने घर को महफूज रख सकते हैं। अगर तुम महफूज ना रख पाई तो मेरी गलती होगी। नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है इसमें। यह तुम सोचते हो। औरत घर की रूह होती है और आदमी घर का रहबर है। ये उसका नसीब है, ना ही वो खुश हो पाती है और ना ही उदास। खुद समझ में नहीं आ रहा मैं किसका अफसोस करूं, कि बर्ग बहुत यंग था, या उसकी बहन के साथ सही नहीं हुआ, या बेचारी नाज के साथ हुआ वो भी गलत था, या फिर उसका अफसोस जो मेरी ऑफर डिक्लाइन हुई है। कब किया मैंने इनकार? हाँ, कब किया? मुझे पता है, आज रात कर दूंगी। तुम इस बारे में कैसे सोच सकते हो जब इतना कुछ हो रहा है फिरोज? जब से तुमने वो बात कही है ना, मैं उसे भूल ही नहीं पा रहा हूँ, हर वक्त मेरे दिमाग पे सवार है। हाँ बोलो मिथत। एक के बाद एक बुरी खबर, लग रहा है एक और आ गई। ठीक है, मैं अभी आ रही हूँ। अब क्या हुआ? रोहान, उसने स्टेशन में महविश पर हमला किया। ये क्या कह रही हो? वो सही तो है? उसे हॉस्पिटल ले गए, बाकी नहीं मालूम। वो जिंदा है कि नहीं ये बताओ। फिरोज, मरियम को कुछ भी मत बताना, हम उसे बाद में बता देंगे, लेकिन अभी नहीं। अच्छा, तो ये नहीं समझ पा रहा मैं भाई को कैसे बताऊंगा? वो तो सुकून में थे, जान छुटी, अरेस्ट हो गया, लेकिन उसने उधर भी गड़बड़ शुरू। खैर, मैं पेमेंट कर देता हूँ, तुम गाड़ी ले जाओ। सुनिएगा, तो यहां बैठ गया था। बासु का दिल चाहता है कि भाग जाऊं, सबसे दूर चली जाऊं, हर चीज से दूर। ठीक है, ये तो बहुत आसान है। गाड़ी में बैठते हैं और चले जाते हैं कहीं, क्या कहती हो? बोलो ना। चली जाती अगर मेरे जाने से सब ठीक होता। हम दोनों चाहे जितना भी भाग जाएं, इस दुनिया की बुराइयों से बच नहीं सकते हैं। एक दिन हमारा छोटा सा बेबी होगा, वो भी तो इस बुराई का सामना करेगा। ऐसा नहीं होगा। करना पड़ेगा, यही तो दुनिया है। बुरे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, शरीफ लोग हैं, हर तरह के लोग हैं। तुम उसे तब क्या कहोगी, क्या जवाब दोगी उसे? हाँ, पता नहीं, अगर पता होता तो आज अपने आप से कहती। तुम क्या बोलोगे उसे? मैं? मेरे दिमाग में तो है कुछ। प्लीज बताओ ना। मैं उसे बोलूंगा कि अपने चाहने वालों के साथ रहो, और बोलूंगा कि चाहे कुछ भी हो जाए हार मत मानना। शावेस, मैं बहुत थक चुकी हूं, क्या होगा अगर वो भी थक गया? उसके पास हम होंगे,
उसकी मदद करेंगे। अगर हमने नहीं की तो फिरोज है, बतूल है, बाबा है, नाज है, नौरीन है। और अगर ये भी ना हुए तो उसका अपना एक चाहने वाला जरूर होगा, जैसे अब मेरे पास तुम हो, तुम्हारे पास मैं हूं, उसके पास भी कोई होगा। यही तो जिंदगी का सबसे मुश्किल वक्त है। महविश कितना अकेला महसूस कर रही होगी। बरखी तो था और अब वो भी नहीं रहा, वो तो टूट गई होगी। तुम कभी दिल में बोझ नहीं रखती हो, जानती हो ना ये बात? इस बारे में सोचा नहीं कभी। ये एक वाहिद वजह है, मोहब्बत हमेशा जीतती है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस कीमत पर जीतती है, अच्छाई हमेशा जीतती है। ये बात मैं अपने बच्चों को भी बोलूंगा। यहां मेरे पास आओ। सब कुछ ठीक हो जाएगा, देखना तुम। नई जिंदगी मुबारक हो तुम्हें प्रोसिक्यूटर। दरवाजा खोल दूं ऑफिसर? हां खोल दो। क्या बात करनी है तुम्हें? मुझे गुजरे हुए कल की बात करनी है, लेकिन तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। क्यों ना तुम्हारे फ्यूचर के बारे में बात करें। कौन सा फ्यूचर एहसन? मैं जेल जाऊंगा और सजा पूरी करूंगा। हाँ ये तो जाहिर है, तुम जेल में तो जाओगे और अपनी सजा भी पूरी करोगे, लेकिन तुम जेल के बारे में कुछ नहीं जानते। सोचा कि तुम्हें थोड़ा बता दूं, वहां के कैदी बहुत ही अजीब होते हैं। वो लोग पुलिस वालों को अपना दुश्मन नहीं समझते, बल्कि सजा देने वालों से नफरत करते हैं, जैसे कि प्रोसिक्यूटर। क्यों, ऐसा नहीं है क्या? पुलिस वाले उन मुजरिमों को लड़ झगड़ कर पकड़ कर लाते हैं, तो उनकी इज्जत करते हैं, वो एहतराम करते हैं उनका। लेकिन तुम लोगों का क्या? हाँ, अपने बड़े से ऑफिस में बैठकर बगैर उनसे मिले उन बेचारों की एक तक नहीं सुनते और उन्हें जेल भेज देते हैं। बस बता रहा हूं कि वो सब कैदी ऐसे ही सोचते हैं। जब वहां जाऊंगा तो उन सबको अपना सलाम कहूंगा और बताऊंगा कि अगला कैदी एक प्रोसिक्यूटर है। लेकिन तुम तो ये समझते हो कि तुम तो बहुत ही ताकतवर हो, उनसे लड़ लोगे। तुम तो वो हो ना जिसने अपनी जिंदगी में कभी भी हार नहीं मानी, हर किसी से सीना तान के लड़े हो तुम तो। मानता हूं कि तुमने बड़े बड़े लोगों को धूल चटा दी प्रोसिक्यूटर, लेकिन आखिर में क्या हुआ? इन सलाखों के पीछे हो ना तुम। जमीर का एक अपना ही मामला है, कभी भी किसी को घुटनों पर बिठा सकता है। सच कह रहा हूं, मुजरिम हो या बेकसूर, उसने कत्ल किया हो या नहीं, आखिर में वो क्या बात है प्रोसिक्यूटर, अब पता है क्या होगा? कुछ अरसे बाद तुम्हारा जमीर जाग जाएगा, अच्छाई के लिए नहीं, कैद की वजह से। तुम्हें ये लगेगा कि तुम एक अच्छे इंसान बन रहे हो। अपने पुराने दिनों को कोसोगे तुम। लेकिन तुम्हें पता है प्रोसिक्यूटर, कैदी जेल में अपनी मर्जी से मर भी नहीं सकता है। ये दुनिया मकाफाते अमल है। आप चंद पैसों के लिए बेकसूर को मुजरिम साबित कर देते हैं, लेकिन आखिर में उन सब का हाल वैसा ही होता है जैसा तुम्हारा है प्रोसिक्यूटर। ऐसा नहीं, ये सब क्या है? हाँ, क्या तुम यहां मुझे बचाने आए हो? क्या चाहते हो कि मैं भीख मांगू, या तुम किसी तरह मजीद पैसा कमाने के चक्कर में हो? मैं तुम्हें यहां से बाहर निकालने आया हूं। जो कुछ तुमने किया है ना, उसके बाद तो भूल ही जाओ। मैं तो बस एक दोस्त की तरह तुम्हें ये बताने आया हूँ कि आगे क्या होने वाला है। क्या कहने की कोशिश कर रहे हो तुम? हाँ, तुम्हें लगता है मुझे यूं टॉर्चर करके खुद बच जाओगे तुम? हाँ, जमीर मुतमईन हो जाएगा तुम्हारा? बिल्कुल नहीं, नहीं होगा, पर मुझे अच्छा लगेगा। मेरी बात सुनो, तुम मेरे बॉस नहीं हो, समझ आई? कभी हो भी नहीं सकते। तुम मुझे कभी कोई ऑर्डर नहीं दे सकते, चाहे मैं यहाँ जेल में ही कैद क्यों ना हूं और तुम पुलिस में ही क्यों ना हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? नहीं कर सकते तुम क्या, बल्कि किसी को मुझसे इस तरह बात करने की इजाजत नहीं, समझ आ रही है तुम्हें?
मेरी बात को और तो सुनो। तुम्हारी मौजूदगी में तुम सबके इस बिल्डिंग में होते हुए तुम दूसरे रूम में थे और मैंने यहाँ किसी को काट डाला और कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सका। जैसे ही मुझे मौका मिलेगा, मुझे एक मिनट भी नहीं लगेगा और मैं तुम्हें यहीं और इसी वक्त खत्म कर डालूंगा और किसी को कानों कान खबर नहीं होगी। याद रखना मेरी बात। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गए प्रोसिक्यूटर। मैं ये जानता हूँ कि एक आदत से बाहर आना बहुत मुश्किल होता है। अरे मैं तो भूल ही गया, अरे मैं चाय लाया था, तुम्हारे साथ बातों बातों में याद ही नहीं रहा। ये लो पियो। तुम्हें याद है कि तुमने एक बार मुझ पर हाथ उठाया था? अब हिसाब बराबर हुआ। मैं तुम्हारे गली चेहरे को छूना नहीं चाह रहा था, इसलिए चाय फेंक कर बदला ले लिया। बताओ इन्हें तुम बेटा कि इसकी लड़की कितनी हराफा है। एक लफ्ज और नहीं कह, कसम खाती हूँ मैं अपनी बेटी की कि अगर इसने गलती की है तो मैं इसे सजा दूंगी और भूल जाऊंगी कि ये मेरी बेटी है। मिताद, बदूल को कॉल करके बुलाओ, उसे यहाँ लेकर आओ और मैं उसे सब कुछ बताऊंगा, जुर्म का इतराज करूंगा। बोल दो बदूल को, जल्दी से बुलाओ बदूल को। मिताद, वास्ता है तुम्हें मेरे बेटे से मिलने दो। मुझे इस वक्त उसकी हालत बहुत बुरी है, सिर्फ 5 मिनट के लिए मिलने दो मुझे उससे। एक माँ की दिल की दुआएं लगेंगी, खुदा के लिए मुझे उससे मिलने दे दो। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकता मैडम, आप मेरी बात समझने की कोशिश करें प्लीज। मैं उसकी माँ हूँ, ये बात तुम लोग समझते क्यों नहीं हो? ये कहाँ का कानून है आखिर? मेरे बेटे को तो बर्बाद कर दिया इस कानून ने। ऑफिसर एहसन। जी नौशीन साहिबा, क्या हुआ, क्या मसला है? देखो ये लोग मुझे मेरे बेटे से मिलने नहीं दे रहे। और सच कहूँ तो मुझे तो ये वकील भी किसी काम का नहीं लग रहा, कह रहा है कि मेरा बेटा बाहर नहीं आ सकता। सही कहा, नहीं आ सकता बाहर। तुम मुझे अंदर ले जा सकते हो? प्लीज बेटा मुझे मेरे बेटे से मिलवा दो, मैं एक बार मिलना चाहती हूँ उससे। ये देखो मैं उसके लिए साफ कपड़े भी लेकर आई। ये तो मैं ले जाकर दे दूंगा लेकिन आप उससे नहीं मिल सकते, कानून के खिलाफ है। अच्छा तुम ये बताओ तुम रोहान से मिले? उसकी सांस का मसला है, उसकी तबीयत कैसी है, ठीक है ना? वो जेल में जिस हद तक ठीक हो सकता है उतना ही ठीक है वो, लेकिन कुछ बदला नहीं है, आज भी वैसे ही है जैसे पहले था, बेजमीर इंसान। मुझे बस एक बार मेरे बेटे से मिलवा दो। तुम जितने पैसे कहोगे मैं तुम्हें दूंगी। बताओ मुझे कितने पैसे चाहिए तुम्हें, एक बार, सिर्फ एक बार मिलवा दो मुझे। देखिए नौशीन साहिबा, काफी लोग यहाँ आकर हमें यही सब ऑफर करते हैं, आप उनसे मुख्तलिफ नहीं है, आप उससे नहीं मिल सकती, प्लीज समझे ये बात। और हाँ, आपका बेटा तो खुद कभी किसी को फेवर नहीं देता था, तो फिर मैं क्यों दूं? लेकिन मैं, मेरे कहने का मतलब मेरा बेटा? जी आपका बेटा बहुत जल्द जेल में जाएगा और एक एक करके अपने जुर्मों का खमियाजा भुगतेगा। जब तक आपको इंतजार करना होगा, उसके बाद जेल में जाके मिल लिएगा। सब मेरे बेटे के दुश्मन बन गए, सब के सब। तुम्हारी आंखें बिल्कुल अपनी माँ जैसी हैं। आपने कहा था आपको कलर याद नहीं, लेकिन मैं इन तेवरों को जानता हूँ। तुम्हारी आंखें बिल्कुल अपनी माँ की तरह मेरी रूह तक को घूर रही थी, फिर भी आप उन्हें अकेला छोड़कर चले गए। काश के वो मेरे इल्म में ये बात ले आते और तुम्हारे वजूद के बारे में मुझे बता दिया होता। और उसके बाद क्या होता फिर? फिर मैं अपनी बेटी का खुद ख्याल रखता, इसका तुम्हारी अम्मी से कोई ताल्लुक। तो इसीलिए आप उनको धोखा देते रहे। नाज, बाबा ये एक कातिल है, इसने अपनी आंटी के साथ मिलकर बर्क का कत्ल किया। मुझे क्या पता था कि रोहान उसे मार देगा। वाकई अंदाजा लगाना तो मुश्किल हुआ होगा। बेटा, साहिका ने इसमें नफरत भर दी थी, इसकी कोई गलती नहीं, इसके पास कोई नहीं था तो क्या करती है? ये एक जवान समझ रखने वाली लड़की है, कोई बच्ची नहीं। अपनी आंटी से भी नाराज हूँ मैं, उन्हें मरता हुआ छोड़कर आ गई हूँ और क्या करूँ? तुम्हारी अपनी आंटी से नाराजगी बर्क को वापस नहीं ला सकती। क्या लगता है बर्क के जाने का अफसोस मुझे नहीं? तुमने किया अब अफसोस है? बस, तुम्हें क्या मालूम कि मुझे कितना अफसोस है। लेकिन तुम किस बात का अफसोस करोगी? सबके लिए अफसोस है मुझे,
भाई के लिए, बाबा के लिए, फैमिली के लिए और वर्क के लिए भी, हर चीज पर अफसोस करने का हक छीन लो। ड्रामे करना बंद कर दो। इस सब से सिर्फ बाबा बिगड़ सकते हैं, क्योंकि वो गलती पे। मेरी जान, तुमने ये इतनी जल्दी कैसे कर लिया? हाँ? कैसे यार? नाज, अच्छा ठीक है, तुम सही हो, मान लिया मैंने। तुम मुझसे जितना चाहो गुस्सा हो सकती हो, लेकिन उसको देखो, वो तुम्हारी बहन है, उसे मेरी गलतियों की सजा तुम मत दो बेटा। मैं दे रही हूँ उसे गलती की सजा। जानते हैं वो हम सबसे ज्यादा लकी निकली, बहुत ज्यादा लकी निकली वो, क्योंकि आपसे दूर बड़ी हुई वो। बेटा नास, मरियम मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी रात खराब कर दी, मैंने सब कुछ खराब कर दिया, मुझे माफ कर दो। नास, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। मरियम, मैं सच में शर्मिंदा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे दुनिया सिर्फ बुराई के इर्द गिर्द घूम रही हो, मैं उसे बहुत याद करती हूँ। आ जाओ, अकेले में बैठकर बात करते हैं। आओ और गहरी सांस लो। चलो बताओ मुझे, बोलो। मैं तुम्हें उदास नहीं करना चाहती थी, तुम्हारा दिन खराब नहीं करना चाहती। मैं ठीक हूं, कुछ देर मेरे बारे में भूल जाओ, और मुझे तो तुम्हारा शुक्रिया करना चाहिए। जितना सच तुमने कहा उतना किसी ने नहीं कहा मुझसे। तकलीफ को छुपाने से कुछ भी नहीं होगा, उसे बताने से आसानी होगी, इसलिए बताओ मुझे, ठीक है? उसने कहा था वो आएगा और मुझे लेकर चला जाएगा, जानती हो? उसने कभी हार नहीं मानी थी, नहीं मानी थी, लेकिन मैं हार गई थी। हर किस नहीं हारी हो मरियम, मैं खुश रह सकती हूँ, लेकिन फिर मुझे उसके लिए बुरा लगता है। देखो, एक बात बताती हूँ तुम्हें मैं, ये मुमकिन है कि हर शख्स मेरी इस बात के खिलाफ हो जाए, अगर तुम चाहो तो शादी पोस्टपोन हो सकती है। मेरी वजह से? तुम बहुत इंपॉर्टेंट हो हमारे लिए, अगर तुम तकलीफ में हो तो हम कैसे खुश हो सकते हैं? कभी नहीं, लेकिन तुम इस दिन का कब से इंतजार कर रही थी? तो और इंतजार कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है? कभी नहीं, यानी हमें भी तो खुशियां मनाने का हक है ना, और मैं इसे कभी नहीं रोकूंगी। तुम श्योर हो ना? हाँ बिल्कुल। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता शुरू करते हैं, वो क्या कहते हैं, रिहर्सल जैसे होती है ना, वो करते हैं हम, फिर देखते हैं कि बाद में क्या करना है। मैंने तुम्हें कितना परेशान कर दिया? नास, तुम हमें कभी परेशान नहीं कर सकती हो। और देखो, तुम्हें जब भी लगे कि तुम्हारा दिल नहीं मान रहा हमारे साथ रहने का, तो तुम हमें बता सकती हो कि मैं जा रही हूँ यहाँ से, दुल्हन होने के नाते मैं इजाजत दे रही हूँ, मैं कभी इस बात पर नाराज नहीं होगी, समझ गई ना? तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ, इसलिए तुमसे कह रही हूँ कि प्रिटेंड भी नहीं करना। यहां बैठो, ऑफिसर आती ही होगी। ठीक है, तो फिर मैं इंतजार कर रहा हूं।
ऑफिसर, प्रोसिक्यूटर आपका रूम में इंतजार कर रहा है। महवेश, पता किया था मैंने, लेकिन अब तक बेहोश है वो, खून बहुत बह चुका था। काश कि वो मंजर देखती आप। खुशी है कि नहीं देखा? देखती तो उसी वक्त उसका सर फाड़ देती। मुझे पहले ही फिरोज के साथ उसके बर्ताव का बदला लेना है। मेरे हाथ लग जाए तो उसे मार दूंगी मैं। तुम क्यों बतूल बतूल कर रहे थे? जो कुछ तुमने किया है सब जानती हूँ मैं। अब क्या है जो बताना चाहते हो? तुम्हारी याद आ रही थी। महवेश, महवेश। अब भी महवेश का नाम ले रहे हो? उसका नाम भी मत लेना तुम। अब तुम्हारी पूरी जिंदगी जेल में गुजरेगी। हाँ बोलो। मैंने उस पर हमला नहीं किया था, वो सिर्फ सेल्फ डिफेंस था। बिना मेरी बात सुने कोई फैसला मत करो, अपना काम ठीक से करो। मुझे अपने सारे हकूक अच्छी तरह से मालूम है। हाँ तो हकूक के बारे में तुम क्या जानते हो, जरा ये बताओ मुझे। आज से पहले तो कभी तुम्हारी हिम्मत नहीं हुई मुझ पे चीखने चिल्लाने की। तुम्हारे ओहदे की इज्जत करती थी, तुम्हारी नहीं। तुम होती कौन हो? हाँ आखिर होती कौन हो तुम? तुम एक पुलिस वाली हो जो क्रिमिनल्स की मदद करती हो और उनमें से एक केस में गिरफ्तार हो चुकी हो। तुम्हारा एक्स हस्बैंड ड्रग्स केस में पकड़ा गया था। तुम वो इंसान हो जिसने अपने आशिक का इल्जाम अपने सर लिया था। सार्गुंस को इलीगल तरीके से इन्फॉर्मेशन दी। तुम तो वो हो जो अपने छोटे से बच्चे तक को नहीं बचा सकी, तो अब तुम किसको बचाने में लगी हुई हो? मिथुन जी, कहिए ऑफिसर। इसकी हथकड़ियां खोलो फौरन। लेकिन ऑफिसर। खोलो। जा, मैंने कहा जा। क्या हो रहा है, ये करना क्या चाह रही है? उस दिन हथकड़ी के साथ कैसे मारूंगी? अब बताओ जरा कैसा लग रहा है? बहुत खूबसूरत लग रही हो मरियम। काश तुम थोड़ा मुस्कुरा भी देती। मैं अब सबके साथ ही मुस्कुराऊंगी, अकेले नहीं मुस्कुरा सकती हूं। नहीं तुम रुको, तुम यही रहो समझी, मैं देखकर आती हूं अभी। इसे ठीक कर देता हूं जरा मैं। वो पागल हमेशा कोई नया मसला खड़ा कर देता है। जब भी थोड़ा ब्रेक मिलने लगता है वो फिर से आ जाता है। क्या हुआ रोहन? हद है यार, उसने अभी अपने भाई को खोया है। देखो उसके साथ क्या हो गया। उस बिचारी ने तो अभी तक अपने भाई की बॉडी भी नहीं दिखी। कोई यकीन कर सकता है कि उस पागल ने उसकी नफ्स काट दी पुलिस स्टेशन के अंदर? महवेश, वो जिंदा है ना? फिरोज जवाब दो मुझे, वो जिंदा है ना? कुछ छुपा रहे हो तुम मुझसे, बताओ जिंदा है या नहीं? मरियम वो ठीक है, अभी हॉस्पिटल में रिकवर कर रही है। ठीक है, अच्छा रिलैक्स। तुम एक बहुत स्मार्ट औरत हो ऑफिसर, और आज तो तुम खूबसूरत भी बहुत ज्यादा लग रही। बेगुनाह है मेरा बेटा, नादान पता हो गई उससे। मैंने उसे ऐसा बनाया, उस औरत के लिए उदास हो रही जो तुम्हारे लिए इतना बुरा चाहती थी। मैं उसे समझती हूँ, इसलिए मुझे अफसोस है। इस पर सिर्फ मेरा हक है। सुबह तक इंतजार कर लो, सुबह तक बर्दाश्त कर लो। आज की किस्त देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट और शेयर करना ना भूलें। कैमरे के पीछे की कहानी, ड्रामा बनाते वक्त क्या क्या हुआ, सब कुछ हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे दस्तियाब है। तो अभी हमारे ऑफिशियल पेज को लाइक करना ना भूलें।